तो भाई लोग कैसे हो? तो यार वेलकम दी बैक, स्वागत है आपका एक पबजी मोबाइल वीडियो में, जिसमें मैं सिर्फ और सिर्फ रैंक पुश के बारे में बात करने जा रहा हूँ कि कैसे भैया आप पहुँच सकते हैं कॉन्करर। तो इस वीडियो में मैं 10 या 11 चीज़ों की बात करूंगा जो आपकी हेल्प कर सकती हैं या आपको गाइड कर सकती हैं रैंक अपनी पुश करने में। लेकिन यार वीडियो शुरू करने से पहले मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप कौन सी चीज़ में रैंक पुश करने वाले हो, सोलो, डुओ या फिर स्क्वाड। तो यार अब सीधा शुरू करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि जब आप रैंक पुश कर रहे हो तब आपको सेफ खेलना पड़ता है, ठीक है। सेफ क्यों खेलना पड़ता है वो मैं अभी थोड़ी देर में बताऊंगा, लेकिन सेफ खेलने से क्या होता है, आपकी गन की स्किल, गोलियां चलाने की, एम वगैरह की स्किल कम होती जाती है। क्यों? क्योंकि आप सेफ खेलते हो, है ना, दूर दूर उतरते हो, उसके बाद एंड में जो भी फाइट होती है उससे क्या होता है कि आपकी प्रैक्टिस कम हो जाती है भाई लड़ने की। तो जब भी आप रैंक पुश के लिए मैचेस स्टार्ट करने वाले हो उससे पहले TDM या फिर ट्रेनिंग में जाके थोड़ी ट्रेनिंग कर लिया करो, ताकि जब फाइट हो मैच के बीच में तब आपकी गन ढंग से चले, कहीं ऐसा ना हो कि भैया एम ही नहीं लग रहा है, ठीक है। अगर आप सेफ खेलते रहोगे डेली दिन रात सेफ सेफ सेफ, उससे क्या होगा भैया गोली चलानी मुश्किल हो जाएगी, एम बिल्कुल ख़राब सा हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से TDM बेस्ट है यार एम प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। जाओ बंदे ठिलाओ बिल्कुल दबा के और उसके बाद रैंक पुश चालू करो, और हो सके तो जब आप ऑफ करके जा रहे हो, आप ऑफलाइन जाने वाले हो, उससे पहले भी एक TDM खेल लो, ताकि आपकी स्किल ख़राब ना हो, ठीक है, ताकि आपका एम, रिकॉइल कंट्रोल ये सब ख़राब ना हो, क्योंकि सेफ खेलने से ये सब ख़राब चीज़ें होती हैं। तो अगर आप TDM वगैरह खेलते हो डेली थोड़ा थोड़ा, तो यार आपकी स्किल ख़राब नहीं होंगी, क्योंकि सेफ खेलना पड़ता है। और जो बंदे आएंगे आपको ऊपर की लॉबीज़ में वो भी बढ़िया खेलते हैं यार, तो उन्हें पेलने के लिए आपको अपनी स्किल बनाए रखनी होगी। वहीं अगर आप सिर्फ आते हो सुबह, है ना, और सीधा रैंक पुश पे लग जाते हो, सेफ खेलते हो, उससे क्या होगा आपकी स्किल कम होती जाएगी और कुछ फ़ायदा भी नहीं होगा, ठीक है। जैसे कि अगर आप चलो सेफ खेल के पहुंच गए, आखिरी बात किसी को तो पेलना पड़ेगा ना, ऐसी तो चिकन मिलेगा नहीं, लेकिन अगर आप उसे भी नहीं पेल पाओगे तो यार कुछ फ़ायदा नहीं है फिर रैंक पुश का, ठीक है, कोई लॉजिक ही नहीं बनेगा अगर आपने स्किल अपनी ख़राब कर ली। तो मेरी बात मानना यार, प्रैक्टिस भी करते रहना रैंक पुश के साथ साथ, ताकि रैंक के साथ साथ आपकी स्किल भी बढ़ जाए। तो अब मैं बात करने वाला हूँ गेम से रिलेटेड चीज़ें, ठीक है, मैच से रिलेटेड चीज़ों की। तो दूसरी चीज़ यह है कि यार आपको सेफ खेलना पड़ेगा, ठीक है। सेफ क्यों खेलना पड़ेगा? देखो अगर आप गलती से आपने हॉट ड्रॉप किया, कंटेनर में गन नहीं मिली, दूसरे बंदे को मिल गई, उसने आपको ठिला दिया, तो यार सीधा -30 या 40 होगा, ठीक है। अगर उतरते ही मरे हो तो सीधा -40 होता है, और -40 को कवर करने के लिए आपको चार मैच खेलने पड़ेंगे और चार मैच में चिकन डिनर करना पड़ेगा, ठीक है। चारों के चारों मैच में अगर आप चिकन डिनर करते हो तो तब जाके आपको 40 पॉइंट मिलेंगे, वो भी ढंग की किल के साथ, ठीक है। अगर आपने एक दो किल के साथ किया है तो यार तब भी 5 या 6+ होगा, जैसे आप ऊपर ऊपर जाते रहते हो, जैसे आप रैंक में ऊपर जाते हो यार पॉइंट बहुत कम मिलते हैं, ये आपको भी पता होगा। और यार चार मैच खेलना ना मजाक बात नहीं है, 2 घंटे लगेंगे चार मैच पूरे करने में। अगर आप पूरा खेलते हो, चिकन तक खेलते हो, तो अगर 30 मिनट का भी एक मैच जाता है तो आपको 2 घंटे लगेंगे, ठीक है। तो सिर्फ और सिर्फ हॉट ड्रॉप के लिए अपने 2 घंटे वेस्ट करना क्या सही है, एक बार अपने लिए अपने से पूछ लेना, ठीक है। इसलिए मैंने सबसे पहली चीज़ यही बोली थी कि सेफ खेलना पड़ता है, इसलिए भैया अपनी स्किल पे भी ध्यान देना, ठीक है। कॉन्करर पहुंच के अगर आप पे स्किल नहीं है बिल्कुल भी, है ना, स्किल बिल्कुल ख़राब हो गई है, गन चलाना ठीक से नहीं चल पा रही, रिकॉयल कंट्रोल नहीं हो रही है, तो यार कोई फ़ायदा ही नहीं है भाई कॉन्करर पहुंचने का, कोई पॉइंट ही नहीं है। तो अगर आपको टाइम लगता है, है ना, अगर आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा खेल सकते हो रैंक पुश के अलावा, तो वो बहुत बढ़िया होगा, क्योंकि यार स्किल भी बढ़ेगी, उसमें बुराई क्या है। तो यार तीसरी चीज़ ये है कि यार मिरामार खेलो, ठीक है। और मुझे पता है आपको लग रहा होगा कि मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि उसमें ज़्यादा पॉइंट मिलेंगे, है ना, लंबा मैच चल रहा है, नहीं यार, ठीक है, मैं मिरामार खेलो सिर्फ और सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उसमें यार हैकर बहुत कम देखने को मिलते हैं, ठीक है, बहुत कम। तो जब मैं रैंक पुश कर रहा था मैं खूब इरेंगल पेल के खेलता था, ठीक है, क्योंकि यार मुझे इस मैप का सब कुछ पता है ना, अच्छे से आइडिया है कि कहाँ पे क्या रिज है, कहाँ पे क्या कवर है, कहाँ पे जाने से बढ़िया रहेगा, एडवांटेज रहेगा, वो सब तो दूसरी तरफ। लेकिन जब हैकर नूबड़े आके आपको घर के अंदर पेल के चल जाते हैं ना भाई, तब जो दुख होता है ना, मतलब आपने कुछ गलत किया ही नहीं, आप घर के अंदर हो, कवर के अंदर हो, लूट भी आप पे बढ़िया है, लेकिन यार घर के अंदर भी ठिल जाते हो बिना किसी मतलब के, और जब माइनस लगती है ना भाई, -10, 20, 50 जितनी भी होती है भाई, जो दुख होता है ना वो बहुत अलग लेवल पे होता है, ठीक है। अगर आप हॉट ड्रॉप करके मरते हो, ठीक है, नॉर्मल प्लेयर से मरते हो, तो इतना दुख नहीं होगा, क्यों? क्योंकि यार देखो वो ठीक तरीके से खेल रहा है, आप पे चांस तो था कम से कम उसे मारने का, गोली चलाने का चांस वगैरह तो था। लेकिन वहीं अगर आप हैकर से मरते हो, चीटर से मरते हो, घर के अंदर बैठ रखे हो, ठीक है, वहाँ पे गोलियाँ आ जाती हैं कहीं से भी, आप ठिल जाते हो वहाँ पे, तो यार दुख बहुत होता है,
और मन नहीं करता यार रैंक बुस्ट करने का, मतलब फायदा क्या? ठीक है आप इतनी मेहनत कर रहे हो, सेफ खेल रहे हो, अच्छे से खेल रहे हो, टीम के साथ कोऑर्डिनेशन बना के खेल रहे हो, उसके बाद कोई भी आके आपको अचानक से पेल के चल जाता है, तो यार दुख बहुत होता है, मन नहीं करता फिर रैंक पुश करने का। इसलिए मैं तो कहूंगा यार मिरामार में पुश करो दबा के, आप विकेंडी भी कर सकते हो, वो टोटली आपके ऊपर है। सैनोक तो भैया मेरे ख्याल से मत ही करना, इतना छोटा सा मैप है, 25 मिनट में मैच खत्म हो जाता है और पॉइंट भी इतने ज्यादा नहीं मिलते कि यार रैंक ही पुश हो जाए, है ना। ऊपर से बंदे सांप बने पड़े होते हैं हर कोई, तो बहुत दिक्कत होती है। इसलिए मेरे हिसाब से मिरामार बेस्ट है भाई रैंक पुश करने के लिए, बेस्ट। तो चौथी चीज ये है कि यार आपको तब क्या करना है जब आपकी लॉबी में हैकर आ रखा है। तो पहली बात ये है कि अगर देखो दूसरा सर्कल चल रहा है ना, पहला दूसरा सर्कल चल रहा है और उसमें 20 या 15 बंदे अलाइव हैं, वो भी तब जब आप कॉन्करर पहुंचने वाले हो, आप हाई ऊपर की लीग्स में खेल रहे हो, तो सिंपल सी बात है यार कि उसमें हैकर है आपके मैच में। और दूसरी चीज आपको ध्यान रखना होगा किल फीड पे, ठीक है। देखो अगर आपकी किल फीड में किसी बंदे ने 20-25 बंदे ठिला दिए, वो भी बहुत ही जल्दी, ठीक है, मतलब उतरते ही लॉबी खाली सी हो रही है और किल फीड में एक ही बंदे का नाम आया जा रहा है, तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि वो बंदा चीट यूज कर रहा है। क्यों? क्योंकि देखो ऊपर हाई लीग्स में हर कोई सेफ खेलता है, हर कोई दूर दूर उतरता है, हॉट ड्रॉप पे बहुत ही कम बंदे जाते हैं, ठीक है। तो अब ऐसा तो है नहीं यार कि किसी एक बंदे को 20-25 बंदे एक ही जगह पे मिल जाएंगे, नहीं भाई। तो आपकी लॉबी जल्दी खाली हो जाती है या एक बंदा 20-25 बंदे ठिला देता है, तब आपको देखो आप पॉइंट प्लस करने के चांसेस तो कम हो जाते हैं, लेकिन अपने चांसेस इस चीज़ के बढ़ा दो कि आपके पॉइंट माइनस ना हो, ठीक है। मैच खेल के आधा घंटा मैच खेल के पॉइंट माइनस होता है ना भाई, बहुत दुख होता है। तो आप क्या करना, जोन के बाहर रह सकते हो आप, मतलब देर में जाना, ठीक है, जोन के जैसी नेक्स्ट जोन बनता है उसके लेट में जाना, भले ब्लू जोन का डैमेज ले लेना, बैंडेज बहुत सारे उठा लेना, लेकिन पहले जाके ठिल मत जाना, ठीक है। आप पहले जाओगे अच्छा कंपाउंड होल्ड करोगे घर पे, ठीक है, किसी बढ़िया घर पे जाके बैठोगे और घर के अंदर ही दीवार के थ्रू आपको गोलियां आके पड़ जाएंगी, तो यार कुछ फायदा नहीं है, ठीक है, मर जाओगे, खामखा पॉइंट माइनस हो जाएंगे, 15-20 जितने भी होंगे बहुत दुख होगा। इसलिए अगर आपको लगता है लॉबी जल्दी खाली हो गई, चीटर है आपके मैच में, तो सेफ खेलना, ऐसा सेफ खेलना कि भैया पॉइंट माइनस ही ना हो, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन अगर आप मिरामार खेल रहे हो तो ये चीज़ होने की चांसेस बहुत कम हो जाती है, ठीक है, 50 में से शायद एक गेम में अगर चीटर आ भी जाए वो भी बहुत मुश्किल से, ठीक है, बहुत ही कम देखे मैंने चीटर जब मैं रैंक पुश कर रहा था। लेकिन भैया इरेंगल में क्या ही बताऊं, मतलब 10 मैच में से 7 मैच में हैकर मिलना पक्का है, ठीक है, पक्का पक्का। अगर आपकी किस्मत सही हुई तो शायद 5 में ही मिले, लेकिन भाई बहुत बुरे हालत हो रखे हैं इस मैप में, ठीक है। पबजी बैन तो कर रहा है, लेकिन भाई कब तक सारे हैकर बैन होंगे भैया, वो तो शायद किसी को भी नहीं पता। और ये मैं तब की बात कर रहा हूँ जब आप बहुत ऊपर लीग में पहुँच गए हो, ठीक है, जब आप कॉन्करर पहुँचने वाले हो या आप कॉन्करर में हो, तब ऐसे गलत सीन होते हैं। इसलिए भैया मिरामार बेस्ट है भाई, बेस्ट। तो पांचवी चीज़ ये है जो मैं बहुत बार मार खा के सिखाऊं कि भाई कभी भी लेट के मत लूटना, खासकर ओपन में, ठीक है। घर पे तो चलता है यार, लेट के लूटो कैसे भी लूटो, लेकिन ओपन में देखो आपने एक टीम से फाइट की, उनको पूरा मार दिया, अब जो आपने गोलियां चलाई ना भाई वो हर किसी ने सुन ली, तो जो भी आसपास आपके बंदे हैं ना भाई, हर कोई थर्ड पार्टी के लिए रेडी होता है, ठीक है, हर बंदा पबजी में थर्ड पार्टी के लिए रेडी होता है। तो लूटना तो जरूरी है यार, लूट तो चाहिए ही, है ना, अगर आपको जीतना है मैच, लेकिन लेट के कभी भी लूटने की गलती मत करना, ठीक है। मैं बहुत बार मरा हूँ और आखिरकार जाके सीख गया मैं कि भैया लेट के लूटना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है, ठीक है। अगर आप स्मोक कर पाते हो तो सही है, अगर नहीं कर पाते हो किसी भी रीज़न की वजह से, तो लेट के तो मत लूटना, खड़े रहना, हिलते डुलते रहना, ठीक है, क्राउच दबाते रहना, लेकिन लेट के मत लूटना। तो लेट के लूटने से मेनली क्या होता है, जैसे आप पे गोलियां पड़ती है ना, तो क्या होता है जब आप उठ रहे होते हो उतने में बहुत टाइम लग जाता है यार। अगर आप खड़े हो तो सीधा आप भग सकते हो कवर की साइड, लेकिन जब आप लेटे हो फिर आप लेट के उठता है आपका कैरेक्टर, उतने में भैया पेटी बना दी जाती है आपकी, ठीक है। तो लेट के मत लूटना ओपन में, अगर लूटना ही है ओपन में तो स्मोक कर लेना या हिलते डुलते लूटना और फटाफट से लूट के निकल लेना, खासकर तब जब आपकी फाइट हुई हो तगड़ी वाली और सबको पता है आपकी पोजीशन। तो छठी चीज़ ये है यार कि जैसी सीज़न स्टार्ट हो ना, जैसे कि अभी आने वाला है नया सीज़न, तो सीज़न के स्टार्टिंग में ही रैंक पुश चालू कर देना, नहीं तो बहुत दिक्कत होगी भाई, बहुत ज़्यादा, ठीक है। अभी पिछले सीज़न में, सीज़न 9 में मैंने एंड में रैंक पुश शुरू की, भैया जो दिक्कत हुई ना भाई, क्या ही बताऊं, बहुत ज़्यादा खेलना पड़ा क्योंकि लोगों ने पॉइंट ऑलरेडी जमा कर रखे थे भाई। कॉन्करर तब होता है जैसे आप टॉप 500 में पहुंचते हो अपने सर्वर में, लेकिन अगर वो टॉप 500 के लोगों पे बहुत ज़्यादा पॉइंट है तो आपको उनसे ज़्यादा पॉइंट करने पड़ेंगे, जो कि बहुत दिक्कत होगी, आपको बहुत ज़्यादा खेलना पड़ेगा। इसलिए अगर आप स्टार्टिंग से ही करते हो तो आसानी रहती है। अगर आप स्टार्टिंग के इस सीज़न में एक दो हफ्ते में एस भी पहुंच जाते हो तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि एस के बाद आपको सीधा कॉन्करर मिल जाए,
ठीक है, क्योंकि बहुत कम लोगों ने स्टार्टिंग में किया होता है पुश दबा के। तो अगर आप जल्दी जल्दी पुश करते हो, जल्दी से एस पहुंच जाते हो पहले या दूसरे हफ्ते में ही, तो आपको बहुत कम या फिर सिर्फ एस में ही आपको कॉन्करर का टैग मिल जाता है। वहीं अगर आप एंड में पुश करते हो तो क्या होता है, लोगों ने बहुत सारे पॉइंट कलेक्ट कर लिए होते हैं, तो एस के बाद आपको 600 700 या 1000 2000 पॉइंट एक्स्ट्रा करने पड़ते हैं एड, तब जाके आपको कॉन्करर मिलता है। इसलिए मेरे हिसाब से तो यार स्टार्टिंग में ही पुश करना बेस्ट चीज़ है, पहले या दूसरे हफ्ते में ही भैया एस पहुंच जाओ, और उसके बाद बहुत कम पॉइंट या बिल्कुल एस में पहुंचते ही आपको कॉन्करर का टैग मिल जाता है सुबह 5:30 बजे। सर्वर हमेशा सुबह के 5:30 बजे रीसेट होता है। तो सातवीं चीज़ यह है यार कि देखो, एमओ की जगह ना आपको हील ज़्यादा लेनी चाहिए, ठीक है। हीलिंग आइटम, स्मोक, ग्रेनेड्स, ये ज़्यादा ले लो। ग्रेनेड आप कम भी कर सकते हो, लेकिन स्मोक वगैरह दबा दबा के लेना, हीलिंग, फर्स्ट एड और बूस्टर्स दबा दबा के लेना, ठीक है। मैं तो भैया 6-7 फर्स्ट एड उठा लेता था। कई बार क्या होता है भाई, हील बैटल करनी पड़ती है, ठीक है, क्योंकि कोई रस करने के लिए तैयार ही नहीं होता यार। अगर आप कर रहे हो तो वो अलग बात है, लेकिन ज़्यादातर बंदे होल्ड करते हैं, हर किसी को चिकन चाहिए होता है, तो वो अपने चांसेस ट्राई करते हैं हील बैटल में, तो वो ज़्यादा कम आएगा, ठीक है। 300 गोली भर के क्या फ़ायदा जब आप फाइट ही बहुत कम करने वाले हो। मेरे हिसाब से हीलिंग बैंडेज और फर्स्ट एड बूस्टर बहुत ज़्यादा लेना, और जैसे आप रोटेट कर रहे हो तो बूस्ट मार लेना, ठीक है, भले यूज़ हो या वेस्ट हो, लेकिन बूस्टर अपना फुल कर लेना, ताकि अगर आपको कोई बीच में गोलियां मारे तो आपकी हील खुद होती रहे और आप जोन से ना मर जाओ। इसलिए भैया हील हुल ज़्यादा उठा लेना, बूस्टर ज़्यादा उठा लेना, एमओ अगर 100 200 भी है तो भी चलेगा। ऐसा नहीं करना कि भैया 400 गोली उठा रखी लेकिन 2 फर्स्ट एड है, भाई बहुत दिक्कत हो जाएंगी, ठीक है, अगर जोन आप पे नहीं बना तो बहुत दिक्कत होगी। अब आठवीं चीज़ जो बहुत ज़रूरी है वो है टीम वर्क। अगर आपका माइक वगैरह ऑन नहीं है, एक बंदा कहीं और उतर रखा है, दूसरा बंदा किधर और ही लूट रहा है, तीसरा बंदा कहीं सांप बन रखा है, टीम वर्क के नाम पे कद्दू कुछ नहीं है, तो भाई बहुत दिक्कत होने वाली है आपको रैंक पुश करने में। इसलिए हो सके तो एक ही टीम बनाना, ठीक है, 4-5 बंदे बनाना अपने, जिनके साथ आप रेगुलर खेलो, ताकि आपको समझ आए कि यार ये होगा तो आपका टीममेट क्या करने वाला है, और माइक मुइक ऑन रख के खेल सको तो बहुत ही बढ़िया यार, मतलब मज़ा सा आ जाएगा, हर चीज़ में हेल्प होगी, बंदे पेलने में रश करना है या होल्ड करना है, बंदे किस साइड से आप पे रश कर रहे हैं, वो सब इन्फॉर्मेशन देने में बहुत हेल्प होगी। इसलिए वॉइस चैट ऑन रख के खेलोगे तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। टीम वर्क बनाए रखना यार, ऐसा नहीं कि यार एक बंदा नॉक हो गया तो भाई उसे छोड़ के आप भगी गए, है ना। तीन बंदे आप हो, जिंदा हो, आप सब पे गन गुन है, है ना, लेकिन भाई एक बंदा नॉक होते आप लोग उसे छोड़ के चले गए तो यार देखो उसको तो दुख होगा ही होगा। साथ ही साथ आपका एक टीममेट कम भी हो जाएगा, तो जब बाद में पूरी एक स्क्वाड रश करेगी तो बहुत दिक्कत होगी। अब मैं ये नहीं कह रहा कि यार आपका टीममेट, देखो आपका टीममेट अगर बेवकूफ़ी करके ओपन में जा रहा है आपके बोलने के बावजूद भी, जो आपका टीम का लीडर है उसके बोलने के बावजूद भी कि भैया मत जा पड़ जाएगी गोली, ओपन में जाके लूट कर रहा है या अनसंट हरकतें कर रहा है, बात नहीं मान रहे, तो उसे अगर आप नहीं बचा पाते हो तो मत बचाना, ठीक है, क्योंकि आप वहां पे जाओगे आप भी नॉक होगे, उसके बाद आपका एक और टीममेट आएगा वो भी नॉक होगा, लेकिन चांसेस हैं बचाने के, फाइट कर सकते हो, कवर फायर देके बचा सकते हो अपने टीममेट को, वो अच्छा खेल रहा है तो उसे बचा लेना, उसको भी अच्छा लगेगा यार, और आपकी टीम में से चारों के चारों बंदा जिंदा होंगे। अगर आप स्क्वाड खेल रहे हो या डुओ खेल रहे हो तो आपका टीममेट जिंदा रहेगा तो बाद में हेल्प ही होगी यार, क्योंकि उसे भी रैंक पुश करनी है ना, वो तो चाहता नहीं कि उसका भी माइनस हो जाए, तो मिलजुल के खेल लेना भैया, टीम वर्क बहुत तगड़ा कर लेना, रस कर रहे हो मिलके करना, नहीं कर रहे हो मिलके भगना, लेकिन मिलके करना हर चीज टीम वर्क के साथ। अब जो नवी चीज है वो ये है कि यार देखो, चिकन डिनर ना रैंक पुश के टाइम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, किल से ज्यादा इंपॉर्टेंट चिकन डिनर होता है। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, समझ लो आपके 12 किल हैं, ठीक है, लेकिन 12 किल करने के बाद आप एक और रस करने की सोचते हो कि 2-4 किल और निकाल लूंगा मैं, लेकिन आप मर जाते हो, ठीक है, कुछ भी हो सकता है यार, हो सकता है थर्ड पार्टी हो सकता है स्क्वाड बहुत ही बढ़िया खेली, या सांप हो, कुछ भी हो सकता है यार, बहुत सारे रीज़न है कि चीज़ें गलत हो सकती हैं, आपके साथ गलत सीन हो सकते हैं रस करते हुए। अब आप मर गए आप #10 पे, ठीक है, 10वीं रैंकिंग पे आप मर गए 12 किल लेके, भैया अगर आप ऊपर लीग में हो ना तो आपका सीधा माइनस होगा 10वीं रैंकिंग में मरने में, सीधा माइनस आपके चाहे 10 किलो हो चाहे 12 किलो। वहीं आपके सिर्फ 10 किल हैं लेकिन आप चिकन डिनर करते हो तो आपका प्लस 15 या 10 तक होगा ही होगा, डिपेंड करता है आप कितने ऊपर हो लीग में। लेकिन वही बात यार, देखो क्या किस में ज़्यादा फायदा है, 12 किल करके मर जाने में और माइनस कराने में, या फिर 10 किल करके चिकन डिनर लेने में और पॉइंट प्लस कराने में। अगर आप जल्दी पुश करना चाहते हो कि आप कम मैचेस में ही आप कॉन्करर पहुंच जाओ, तो आपको किल के पीछे नहीं भग के आपको भगना होगा चिकन डिनर के पीछे। हाँ, आप तब रस कर सकते हो जैसे कि आपको पता है कि अब बहुत कम बंदे बाकी हैं और आपके माइनस नहीं होंगे पॉइंट,
ठीक है, माइनस पॉइंट नहीं होने वाले, तो आप रश कर सकते हो बड़ी बड़े आराम से, ताकि आप एक आध किल और निकाल लो और प्लस होने में एक आध पॉइंट और प्लस हो जाए, जो कि काफ़ी सही है। लेकिन आप स्टार्टिंग से ही रश पे रश कर रहे हो और ठिल जाते हो गलती से, तो बहुत माइनस होगा यार, बहुत दिक्कत होगी। बहुत मेन बात है टाइम, ठीक है, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा आपको कॉन्करर पहुंचने में। देखो आपने दो तीन गेम खेले, चिकन डिनर किया, रश रुश करके काफ़ी बढ़िया है, वहीं पे आप मर गए एक रश में गलती से, है ना, कुछ भी गड़बड़ हो गई, वहीं पे मर गए आप स्टार्टिंग में ही या मिड गेम में, तो जो माइनस होगा ना, वो सारी तीन मैच जो आपने पिछले तीन मैच बढ़िया निकाले, वो सारी मेहनत पानी में मिला देगा, वो सारे पॉइंट माइनस हो जाएंगे। बहुत बार होता है ऐसा, इसलिए चिकन डिनर के पीछे भगना अगर आपको जल्दी कॉन्करर पहुंचना है तो, नहीं तो भैया अगर आप किल के पीछे भगते हो तो किल तो आपकी बढ़ जाएंगी, केडी बढ़ जाएगी, लेकिन कई बार ऐसा होता है पॉइंट माइनस हो जाता है किल के पीछे। इसलिए यार पॉइंट माइनस मत करवाना लालच में किल के, कि भाई एक किल एक्स्ट्रा ले लोगे, कहीं जोन के बाहर ही रस कर रहे हो ना, कतई घर घर पर रस कर रहे हो, बिना फालतू में ओपन में रस कर रहे हो और ठिल जाते हो तो गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए थोड़ा सेफ खेलना, पॉइंट माइनस मत कराना, खासकर ऊपर भैया एक एक पॉइंट में 50-50 रैंक चेंज होती है, 50-50 रैंक, ठीक है, एक एक्स्ट्रा पॉइंट भी बहुत मायने रखता है। इसलिए चिकन के पीछे भगना और माइनस मत करवा लेना अपना भाई, आराम से खेलना बिल्कुल समझ के। तो दसवीं चीज ये है यार कि कभी हार मत मानना, ठीक है, रैंक पुश के टाइम बहुत बार ऐसा होगा गड़बड़ हो जाएगी, कभी आपका नेट डिस्कनेक्ट होगा, उसकी वजह से ठिल जाओगे आप, है ना, माइनस लगेंगे, लेकिन भैया हार मत मानना, मतलब स्टार्ट कर दिया ना भाई तो खत्म करके ही छोड़ना, बगैर कॉन्करर पहुंचे भाई छोड़ना मत रैंक पुश करना, चाहे कुछ भी हो, चाहे माइनस 50 लगे, चाहे 100 लगे, कोई बात नहीं, अगले दिन पुश करना। और देखो अगर आपके मैचेस खराब जा रहे हैं ना तो थोड़ा ब्रेक ले लेना, क्योंकि क्या होता है भाई जब मैचेस खराब जाते हैं दिमाग खराब होता है, उससे आपके बाकी के गेम इफेक्ट करेंगे और आप और ही बेकार खेलोगे। इसलिए अगर आपको लगता है कि भैया नहीं ये गलत सीन हो रहा है, तो थोड़ा सा ब्रेक ले लेना, कुछ घंटे बाद खेलना या अगले दिन खेलना, वो आपके ऊपर है, बस हार मत मानना, ठीक है, हार मत मानना। देखो यार स्टार्ट किया है ना भैया, ख़त्म करके छोड़ना बिल्कुल, चाहे कुछ भी हो। तो बस भाई लोग यार आज की वीडियो में इतना ही, मेरे पे और भी कुछ बहुत कुछ है बताने के लिए, लेकिन यार मैं नहीं चाहता एक ही वीडियो में सब कुछ हो जाए ना, कतई घंटों की वीडियो बन जाएगी। इसलिए अगर आप चाहते हो कि मैं एक और पार्ट बनाऊँ इसका, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, मैं ज़रूर बनाऊंगा दूसरा पार्ट भी। तो आज की वीडियो में इतना ही भाई लोग, यार जाने से पहले भैया वीडियो को कतई लाइक कर देना, है ना, नीला सा कर दो दबा के, ब्लू सा कर दो उस लाइक के बटन को, और अपने टीममेट्स के साथ जिनके साथ आप रैंक पुश करने वाले हो उनको ये वीडियो शेयर ज़रूर करना, ताकि जब आप उनके साथ रैंक पुश करो तो भैया वो भी कतई खतरनाक सा खेलें और आप लोग मिल के कॉन्करर जा सको। तो बस भाई लोग यार आज की वीडियो में इतना ही, शेयर कर देना भैया, और लाइक नहीं किया तो यार लाइक ज़रूर कर देना, मुझे भी मज़ा आ जाएगा यार, मतलब दिल खुश सा हो जाएगा। तो कल मिलते हैं भाई लोग यार आज की वीडियो में इतना ही, और अगर नए हो तो यार सब्सक्राइब कर रहे बगैर मत जाना, और भी ऐसे ही टिप्स एंड ट्रिक्स और गेम प्ले वीडियो के लिए। और आज की वीडियो में इतना ही भाई लोग यार, कल मिलते हैं, बाय बाय।